हेलो एवरीवन, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एग्रीकल्चर चैप्टर को स्टार्ट किया था और हमने सब्सिस्टेंस फार्मिंग को पढ़ा था। इस वीडियो में हम कमर्शियल फार्मिंग को पढ़ेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। गाइस, आई वांट टू से समथिंग। अगर आप चैनल देख रहे हैं और आपको चैनल अच्छा लग रहा है और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कमर्शियल फार्मिंग। अब देखिए, कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है? वो फार्मिंग जिसका पर्पस होता है आपको उसको सोल्ड करके पैसा अर्न करना, ठीक है। तो इन कमर्शियल फार्मिंग, जो क्रॉप्स को आप ग्रोन करते हो, जानवरों को आप पालते हो, आप किस पर्पस से पालते हो? सेल पर्पस से, ठीक है। ये जो एरिया जो होता है कल्टीवेशन का, और जो उसमें पैसा जो लगता है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब आपको एरिया भी बहुत ज़्यादा चाहिए खेती करने के लिए, और कैपिटल मतलब जो उसमें पैसा लग रहा है वो भी ज़्यादा लगेगा। ज़्यादातर वर्क हम किससे करते हैं? मशीन से। कमर्शियल फार्मिंग तीन तरह की होती है, ग्रेन फार्मिंग, मिक्सड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो फर्स्ट हम कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग को समझते हैं। अब देखिए, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में भी वही होता है कि आप क्रॉप्स को ग्रो करते हो किस पर्पज़ से? कमर्शियल पर्पज़ से, मतलब उनको सोल्ड आउट करने के लिए। तो वीट एंड मेज, गेहूं और मक्का, ये इसके कॉमन कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स हैं। मतलब सबसे ज़्यादा खेती इन्हीं की होती है, इन्हीं को बेचा जाता है। मेजर एरियाज़ फॉर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज, सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है फार्मिंग? टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में और एशिया। ये जो एरिया है स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया है, मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी नहीं है, लोग इतने नहीं हैं, तो हमें जगह ज़्यादा मिलती है खेती करने के लिए। तो यहाँ पे लार्ज फार्म्स हैं जो कि हंड्रेड ऑफ हेक्टेयर्स में फैले हुए हैं। सेवर विंटर रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीज़न, मतलब कुछ जब सर्दियों के सीज़न ऐसे आते हैं उस टाइम पे खेती नहीं हो पाती है, तो हम यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल क्रॉप को ही ग्रो कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मिक्सड फार्मिंग। अब देखिए, यहाँ पर लैंड यूज़ होती है फूड और क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, और हम जानवरों को भी पालते हैं। ये फार्मिंग कहाँ पे होती है? यूरोप में, यूएसए, और ये आपको आगे की कंट्रीज़ के नाम दे रखे हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज़ प्लांटेशंस। ये एक टाइप की कमर्शियल फार्मिंग है जहाँ पे सिंगल क्रॉप ऑफ, जैसे कि टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, शुगर केन हो गया, गन्ना, काजू हो गया, रबड़ हो गया, बनाना हो गया, इनकी खेती की जाती है। यहाँ पे लार्ज अमाउंट में लेबर की ज़रूरत होती है, कैपिटल पैसे की भी ज़रूरत होती है। ये जो प्रोड्यूस जो होता है इसकी प्रोसेसिंग या तो ये लोग फार्म पे ही कर लेते हैं, या फिर जो आसपास की फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पर करते हैं। अब इसके लिए आपको एक अच्छे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की ज़रूरत होती है, ताकि ये, ठीक है, ताकि यहाँ पे हम सामान को एक दूसरी जगह पे क्या सके कर सके पहुँचा सकें। जो मेजर प्लांटेशंस जो हैं ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, आपको बता रखा है कि रबड़ जो होती है मलेशिया में होती है, कॉफ़ी जो होती है ब्राज़ील में होती है, और टी इंडिया और श्रीलंका में। ये कुछ एग्जांपल्स आपको बता रखें मेजर क्रॉप्स। अब देखिए, जो लार्ज वेराइटी में हमें क्रॉप्स को उगाना पड़ता है, क्यों? पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है तो डिमांड्स बढ़ेंगी, तो लोगों की जो डिमांड्स है उसको पूरी करने के लिए हमें खेती करनी पड़ेगी। मेजर फूड क्रॉप्स आपकी कौन कौन सी होती है? वीट, राइस, मेज और मिलेट्स। जूट और कॉटन जो है वो फाइबर क्रॉप्स हैं, और बीवरेज क्रॉप्स जो पेय पदार्थ जो होते हैं वो है आपकी टी और कॉफ़ी। हाँ जी, तो आपको क्या बता रखा है? पहली क्रॉप है आपकी राइस। देखिए, राइस जो है वो मेजर फूड क्रॉप है वर्ल्ड की, क्योंकि लोग ज़्यादातर इसको खाना पसंद करते हैं, ठीक है। स्टेपल डाइट है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन की, मतलब ज़्यादातर लोग इसको लेते हैं। राइस की खेती करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, ज़्यादा ह्यूमिडिटी चाहिए और ज़्यादा बारिश चाहिए। इसको उगाने के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी जो है वो है एलुवियल क्लेई सॉइल, क्योंकि इसमें वाटर ज़्यादा होता है। चाइना जो है लीड प्रोड्यूसर है किसका? राइस का, फॉलोड बाय इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। यहाँ पर फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस है, एज इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश 2 to 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ ईयर। यहाँ पे दो से या फिर तीन दो तीन क्रॉप्स उगा ली जाती हैं एक साल के अंदर। नेक्स्ट वन इज़ वीट। वीट के लिए आपको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा कम, ठीक है। रेनफॉल चाहिए ग्रोइंग के टाइम पर, ठीक है, और अच्छी सनशाइन होनी चाहिए जब हार्वेस्टिंग, जब उसकी कटाई हो रही हो, ठीक है। इसके लिए मिट्टी चाहिए आपको वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, और वीट जो होती है वो यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, ये आपको बता रखे हैं, और इंडिया में ये ग्रो होती है विंटर सीजन में। नेक्स्ट आपको दे रखे हैं मिलेट्स, इनको और हम क्या बोलते हैं? कोर्स ग्रेन्स। ये कहाँ पर ग्रोन होते हैं? लेस फर्टाइल मिट्टी होनी चाहिए, यानी कि एंड सैंडी सॉइल्स में। ये एक हार्डी क्रॉप होती है जिसमें आपको ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत नहीं होती,
मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब ना बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा कम, और एडिक्वेट रेनफॉल होनी चाहिए. ओके, ज्वार बाजरा रागी इंडिया में होते हैं, और जो अदर कंट्रीज़ हैं वो आपको बता रखी है नाइजीरिया, चाइना एंड नाइजर. नेक्स्ट आपको दे रखा है मेज़. मेज़ के लिए आपको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, रेनफॉल भी मॉडरेट होनी चाहिए और बहुत सारी सनशाइन होनी चाहिए. इसके लिए मिट्टी जो चाहिए वो वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल चाहिए. और मेज़ कहाँ पर ग्रोन होता है वो जगहों के नाम आपको बता रखे, लाइक नॉर्थ अमेरिका, इंडिया एट्सेट्रा. कॉटन के लिए आपको हाई टेम्परेचर चाहिए, थोड़ी हल्की बारिश, और 210 दिन चाहिए फ्रॉस्ट फ्री डेज, मतलब जो आपकी मतलब जो ठंड होती है फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, और बहुत सनशाइन होनी चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है. इसके लिए मिट्टी कौन सी अच्छी होती है, ब्लैक और एलुवियल सॉइल, और जगह के नाम बता रखे हैं चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान. ये इसके लीडिंग प्रोड्यूसर हैं, किसके, कॉटन के. ये एक मेन रॉ मटेरियल है, इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है कॉटन. नेक्स्ट वन इज़ जूट. जूट को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर, आपको पता होना चाहिए. ये होती है आपकी कौन सी मिट्टी में, एलुवियल सॉइल में. इसको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, हैवी रेनफॉल चाहिए, और क्लाइमेट कैसा होता है, ह्यूमिड. ये क्रॉप कहाँ पर ग्रो होती है, ट्रॉपिकल एरियाज जैसे इंडिया एंड बांग्लादेश इसके लीडिंग प्रोड्यूसर. नेक्स्ट वन इज़ कॉफ़ी. कॉफ़ी के लिए वार्म और वेट गीला क्लाइमेट चाहिए थोड़ा. इसके लिए वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए. हिल सोप्स होने चाहिए, वो इसके लिए बहुत सुटेबल हैं इसकी क्रॉप की ग्रोथ के लिए, ठीक है, जो हिल्स जो होते हैं. तो ब्राज़ील जो है वो इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है, फॉलोड बाय कोलंबिया. एंड नेक्स्ट वन इज़ टी, पेय पदार्थ, जो मैंने आपको बताया था कि ये बीवरेज क्रॉप है. ओके, इसके लिए आपको कूल क्लाइमेट चाहिए, और यहाँ पर जो बारिश चाहिए वो आपको पूरे साल चाहिए, और बहुत ही अच्छी बारिश होनी चाहिए इसकी लीव्स की, पत्तियों की ग्रोथ के. इसके लिए हमें वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए, जेंटल स्लोप्स होनी चाहिए, एकदम स्टीप स्लोप्स नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल खड़े स्लोप्स नहीं, थोड़े जेंटल स्लोप्स हों. लेबर आपको बहुत लार्ज नंबर में चाहिए इसके लिए, क्योंकि आपको एक एक पत्ती तोड़नी पड़ती है उसके लिए. और केन्या, इंडिया, चाइना, ये जो है ये प्रोड्यूस करते हैं बेस्ट क्वालिटी का टी वर्ल्ड में. नेक्स्ट आपको दे रखा है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. देखिए इसके अंदर कुछ नहीं है, बस यही बता रखा है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या है, कि आप अपने प्रोडक्शन को और क्या करो, इंक्रीज़ करो. क्यों? क्योंकि लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है. डिमांड बढ़ेगी तो आपको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है. तो जो आप जहाँ पे खेती कर रहे हो, जो क्रॉप एरिया उसको बढ़ाओ, जो नंबर ऑफ़ क्रॉप्स आप ग्रोन कर रहे हो उसको बढ़ाओ, ठीक है. आप जो इरीगेशन फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हो उसको इम्प्रूव करो, अच्छे फर्टिलाइजर्स को यूज़ करो, अच्छे बीजों को यूज़ करो, ठीक है. तो उससे क्या होगा, आपके एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा, और जो फूड सिक्योरिटी है वो इंक्रीज़ होगी. अब आपको बता रखा है कि हर जगह एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग है, अलग अलग जगहों पे. तो चलिए उसके बारे में पहले पढ़ते हैं. अब देखिए आपको बताया जा रहा है कि इंडिया के फार्म के बारे में. एक छोटा सा विलेज है अलीदाबाद, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में यूपी के. तो वहाँ पे एक मुन्ना लाल है, एक फार्मर वो रहता है, ठीक है. उसके पास 1.5 हेक्टेयर की लैंड है, ठीक है. उसका जो घर है वो मेन विलेज में है. उसने काफ़ी अच्छी वैरायटी के सीड्स खरीद रखे हैं मार्केट से, और वो हर दूसरे साल में खरीद ही लेता है अच्छे सीड्स, क्योंकि जो उसकी ज़मीन है वो बहुत ही फर्टाइल है, और वो एटलीस्ट दो क्रॉप्स तो हर साल ग्रो कर ही लेता है. नॉर्मली वो गेहूँ की और चावल की और कभी कभी दालों की भी खेती कर लेता है. ये जो फार्मर है अपने फ्रेंड्स से और अपने बड़े जो लोग हैं उनसे एडवाइस लेता रहता है, और जो गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उनको भी देखता है. ये जो है ट्रैक्टर ले लेता है रेंट पे, ठीक है, उसको जोतने के लिए. और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो अभी भी ट्रेडिशनल मेथड जैसे बुलक्स, जो बैल वगैरह जो होते हैं उनका यूज़ करते हैं प्लो करने के लिए, जोतने के लिए. यहाँ पर ट्यूबवेल भी है उसके पास, ठीक है, जिससे वो मतलब रेंट पे ले लेता है पानी इरीगेट करने के लिए, अपने खेतों में पानी देने के लिए. मुन्ना लाल के पास दो बफेलोज भी हैं और कुछ मुर्गियाँ भी हैं, जिनसे वो जो दूध मिलता है, ठीक है, ही सेल्स मिल्क इन द कोऑपरेटिव स्टोर, जो कि उसके पास में है, वहाँ पे दूध बेच देता है. वो मेंबर है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ठीक है, विच आल्सो एडवाइस हिम, जो कि उनको एडवाइस करते हैं कि आपको किस टाइप का खाना देना चाहिए अपने जानवरों को, उनकी कैसे ध्यान रखनी चाहिए, उनकी हेल्थ पे आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है. तो जो भी मेंबर्स हैं उसके, वो उसकी हेल्प करते हैं फार्म एक्टिविटीज़ में. कभी कभी वो उधार भी ले लेता है बैंक से, ठीक है, और द एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी उधार ले लेता है कि वो अच्छे एचआईवी सीड्स को खरीद पाए, टू बाय एचआईवी सीड्स, और उनको इम्प्लीमेंट कर पाए. ये जो प्रोड्यूस है वो मंडी में बेच देता है, जो उसके पास जो मंडी होगी, ठीक है. अब क्या है, सिंस मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स, जो मोस्टली जो फार्मर्स जो होते हैं उनके पास मतलब लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, मतलब जैसे लोग कोल्ड स्टोरेज में आलू रख देते हैं, ठीक है, आप स्टोर कहाँ पर रखोगे इतना जो अनाज आपका पैदा हुआ है.
अब जगह है नहीं स्टोर करने के लिए, तो वो लोग क्या कर देते हैं, फिर बेच ही देते हैं, उनके पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता। कभी कभी उन फेवरेबल कंडीशन नहीं होती, मतलब चीज़ें सस्ती होती हैं तब भी उन्हें सस्ते दाम में ही बेच देना पड़ता है। वो वेट नहीं कर सकते कि जब थोड़ा महंगा हो तब हम इस चीज़ को बेच दें तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास जगह की कमी है। तो ये थे आपकी फार्म प्रैक्टिसेस इंडिया की। अब देखिए, आपको यूएसए के फार्म के बारे में बताया जा रहा है। जो एवरेज साइज़ जो होता है फार्म का यूएसए में, वो बहुत ही ज़्यादा होता है इंडियन फार्म के कंपैरेटिवली। टिपिकल फार्म साइज़ इन यूएसए कितना है? 250 हेक्टेयर। हमारे यहाँ पे कितना था? 1.5। कितना डिफरेंस है। जो फार्मर्स जो हैं जनरली वो फार्म पे ही रहते हैं, वो कुछ मेजर क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, जैसे कॉर्न हो गया, सोयाबीन हो गया, वीट हो गया, कॉटन हो गया, शुगर बीट। एक जो है, ठीक है, जो हॉर्न एक फार्मर है, कहाँ का? मिड वेस्ट यूएसए का, इन लोवा स्टेट। उसने कम से कम 300 हेक्टेयर लैंड ली, ज़मीन ली, और उस पर उसने क्या ग्रो करा? कॉर्न। ठीक है, आफ्टर मेकिंग श्योर कि उसने ये देखा कि मेरी जो मिट्टी है, मतलब मेरे जो उसके जो यहाँ पे वो खेती कर रहा है, वो जो मिट्टी है, ठीक है, और वहाँ पे मतलब अच्छी मिट्टी है या फिर नहीं, और जो वाटर रिसोर्सेज हैं, मतलब वो उसकी ज़रूरतों को, जो उसकी जितनी क्रॉप को ज़रूरत है पानी की, वो सब पूरा कर पाएंगी या फिर नहीं। उसने काफ़ी सारे मेजर्स भी लिए, ठीक है, टू कंट्रोल द पेस्ट दैट कैन डैमेज द क्रॉप, मतलब जो कोई पेस्ट है, मतलब कुछ ख़राब ना हो जाए उसकी क्रॉप को, तो वो चीज़ उसने सबका ध्यान रखा। वो टाइम टू टाइम अपनी जो मिट्टी है उस जगह की, उसको लैबोरेटरी भिजवाता रहता था चेक करने के लिए कि उसमें सफिशियंट न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर नहीं। द रिजल्ट्स हेल्प जो हॉर्न टू प्लान अ साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम। उसने एक साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम भी बनाया जो कि उसके कंप्यूटर से लिंक था, ठीक है, टू द सैटेलाइट, जो कि उसे क्या इन्फॉर्मेशन देता था, एक पिक्चर देता रहता था उसके फील्ड की, जिससे उस पिक्चर से उसको हेल्प मिलती थी। दिस हेल्प्स हिम टू यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स वेयर एवर दे रिक्वायर्ड। जहाँ पे भी फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होती थी उस पिक्चर से उसको पता चल जाता था, और वहाँ पर वो चीज़ वो डाल देता था। वो ट्रैक्टर्स का यूज़ करता था, सीड ड्रिल्स का यूज़ करता था। आप देख रहे हो मतलब टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी यूज़ कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, कंबाइंड हार्वेस्टर का, थ्रेशर का, बहुत सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करने के लिए, मतलब खेती करने के लिए वो ये सब चीज़ों का यूज़ करता था। जो ग्रेन्स जो होते थे उनको स्टोर करता था इन द ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज में, और फिर उनको डिस्पैच करके, पैक करके मार्केट एजेंसीज को दे देता था। तो जो फार्मर्स जो होते हैं यूएसए के, वो एक बिजनेसमैन की तरह काम करते हैं, ना कि यहाँ पे किसानों की तरह। ओके, तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपके चैप्टर का एंड होता है। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स के चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे क्लास 8th के। वंस अगेन आई एम सेइंग प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल if you actually like it. Thank you for watching. Bye-bye. Take care.